लाचेन जाने वाला जो रास्ता है वो अभी खुल चुका है, तो अभी हम लोग आज गाड़ी में जा रहे हैं। आप लोगों को गाड़ी से पूरा दिखा दिए कैसा हुआ है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। और हमको बहुत खुशी हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि कल खुला है रास्ता, तो चल रहा है रास्ता। हम लोगों को दोनों ड्राइवर हेलो फ्रेंड्स, क्या हुआ? बहुत एक सैड न्यूज हो गया गाइस। दोनों हंस रहा है मेरे को देख के। क्या हुआ कि हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, बट जो पुलिस ने बोला कि नहीं जाना है, तो हम लोग नीचे जाके जो बड़ा साहब है उसको जाके रिक्वेस्ट किया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि सिर्फ ड्राइवर को ही जाना है, पैसेंजर लेकर नहीं जाना है, अगर कुछ हो गया तो रिक्स नहीं लेंगे। तो हम लोग ने अपना राशन जो था गाड़ी में भेज दिया, और खुद अभी फिर पूरा कपड़ा चेंज करके चल के जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को फिर भी दिखाते हैं, रास्ता तो पूरा ओपन हो चुका है, और आप लोगों को फिर भी अच्छी तरह से अपडेट देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जहाँ से पूरा रास्ता कटिंग हो रहा है मतलब खुल चुका है, वहाँ पे पहुँचने वाला है। तो आप लोगों को पहले जब से दिखा रहे थे वो रास्ता पूरा खुल चुका है, तो आप लोगों को आज दिखाएंगे अच्छी तरह से। मेरा जाने का कोई काम नहीं था क्योंकि राशन घर पे पहुंच गया, बट क्या करें, ब्लॉक के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता खुलने के बाद ही चलने के लिए दे रहा था। तो इसीलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग जो है अभी चुंगदांग साइड से जा रहे हैं ऊपर लाचेन तरफ। पूरा रास्ता ओपन है, और आप लोग को अच्छी तरह से देखिए क्या है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों को इधर से दिखाते थे, और काम जो है यहीं पे मशीन लगा हुआ रहता था, बट अभी जो है पूरा रास्ता खुल चुका है, और गाड़ी को भी आने जाने के लिए दे रहा था जो सुबह तक, बट क्या हुआ कि उसके बाद जो है बोला कि फिर थोड़ा स्लाइड आ गया, इसलिए बोला कि पुलिस ने कि नहीं जाना है, पूरा ही नहीं जाना है। तो वो जो सुबह आया था उसको सिर्फ जाने दिया, तो उसके बाद जो पैसेंजर है उन लोग को नहीं लेना है, सिर्फ ड्राइवर को ही जाना है बोल के। उसके बाद हम लोग को भी आधा रास्ता में उतरना पड़ा, रूम के पास ही उतरना पड़ा। उसके बाद फिर कपड़ा चेंज करके अभी निकल के हम यहाँ पे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए रास्ता पूरा ओपन हो चुका है, देखिए यहाँ पे, और गाड़ी भी चल रहा है, जो बड़ा गाड़ी नहीं, छोटा गाड़ी जितना भी हो पूरा चल रहा है। देखिए पूरा ओपन हो चुका है, पहले जो है मशीन यहीं पे काम कर रहा था, यही मैंने उस टाइम बोला था कि यही चट्टान काटने के बाद फिर रास्ता जुड़ जाएगा, जो है अभी रास्ता पूरा जुड़ चुका है, और अभी चल रहे हैं। देखिए थोड़ा वहाँ पास जाके दिखाते हैं कैसा हुआ है रास्ता। अभी जो है ये भी तक है, देखिए पूरा कारपेटिंग भी मेटलिंग भी हो चुका है, और थोड़ा रिक्स भी है ज़्यादा चलने में। और मैंने शूज पहना हुआ है आज, गमबूट मेरे फ्रेंड ने पहन लिया है, तो अभी पता नहीं है क्या है, हीलो जो कीचड़ है उसमें डूबेगा कि नहीं डूबेगा वो भगवान जाने, बट अभी जैसा करके भी घर पहुंचना है। और आकाश भी देखिए पूरा काला हो चुका है, और हम लोग को बहुत डर लग रहा है बारिश होने के बाद फिर पूरा स्लाइड आएगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स देखिए पहले यहीं पे काम कर रहा था, अभी पूरा रास्ता ओपन हो चुका है जो छोटा गाड़ी के लिए, और देखिए बट जो ये रास्ता देखने में बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, देखिए ऊपर में, बट जाने दे रहा है, और अभी हम लोग फिलहाल चल रहे हैं घर जाने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी भी जा रहे हैं, जो ये जो ऑफिसर्स का गाड़ी होगा इसीलिए जाने के लिए दे रहा है। देखिए गाड़ी पूरा चल रहा है, अच्छे से जा रहा है, पूरा रास्ता ओपन हो चुका है, और बहुत खुशी भी लग रहा है, और थोड़ा एक रिक्स भी है, जो है बारिश होने के बाद पूरा ये स्लाइडिंग वो कर रहा है बार बार। फ्रेंड्स जो पहले था यहाँ से शॉर्टकट हम लोग यहाँ पे चढ़ने पड़ता था, बट अभी जो है यहाँ पे पूरा रास्ता ओपन हो चुका है, देखिए। और पहले हम लोग यहाँ ऊपर जंगल से जाना पड़ता था, बट अभी जो है ये रास्ता पूरा खुल चुका है, और हम लोग को गाँव जाने में कितना भी टाइम ना लग रहा है। फ्रेंड्स जो ये वीडियो है थोड़ा लंबा होगा जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप लोगों को पूरा रास्ता दिखाना पड़ेगा, इसीलिए तो आप लोग थोड़ा बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब आधा आधा दिखाने के बाद मेरा जो इन्फॉर्मेशन है आधा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं जितना हो सके पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यही चट्टान बाकी था उस टाइम जब मैं वीडियो बनाया था, बट अभी रास्ता पूरा खुल चुका है, कल से खुला हुआ है फ्रेंड्स, और आज एक दो गाड़ी भी चला है इसमें, तो देखिए पूरा रास्ता ओपन हो चुका है। और बट जो है हम लोग आराम से नहीं चलना है, क्योंकि जो है सब नया कटिंग है, और ब्लास्टिंग की वजह से सब पत्थर थोड़ा क्रैक ढीला है, तो गिर भी सकता है, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग यहाँ कोई रास्ता नहीं था, अभी पूरा रास्ता ओपन हो चुका है, और देखिए
हम यहाँ पे पूरा कारपेटिंग और मेटलिंग करने के बाद पूरा अच्छा होगा। बट जो रास्ता है वो थोड़ा हाइट हाइट टाइप का हो गया है, जो थोड़ा हाइट वाला रास्ता हो गया है। फिर भी इतना खुलने से भी कहाँ कहाँ अच्छा है, क्योंकि राशन पानी बोक बोक के खाने से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बट अभी जो है थोड़ा बहुत गाड़ी आने देगा तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कीचड़ कीचड़ भी है क्योंकि बारिश हो रहा है बहुत दिनों से, तो बार बार स्लाइड आ रहा था। अभी एक दो दिन ही हुआ है बारिश रुका हुआ, मैं आई मीन रात को पड़ रहा है बारिश आ रहा है बट दिन में नहीं। फ्रेंड्स जो पहले आप लोगों को दिखाया था, मैं यहीं तक आके आप लोगों को यहीं मैं आगे में डीलिंग कर रहा था उस टाइम, बट अभी जो है यहाँ से पूरा खुल चुका है। और पहले का जो शॉर्टकट था आप लोगों को वो भी दिखाते, उसके बाद ये पूरा खुला हुआ है। फ्रेंड्स जो पहले का जो शॉर्टकट था हम लोग यहीं से जाते थे, आप लोग ने अगर मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो पता होगा आप लोगों को ये शॉर्टकट था। बट अभी जो है यहाँ से पूरा रास्ता खोल के बहुत अच्छा हो चुका है, इतना जल्दी हम लोग यहाँ पे आ चुका है। अब मैं वीडियो में बात बात कर करके इधर में अभी आ चुका है, क्योंकि मैंने आज वीडियो पॉज थोड़ा ही किया है इधर वहीं यहाँ आगे से यहीं तक पॉज किया है वीडियो, पर फिर भी इतना जल्दी आ चुका है रास्ता अच्छा होने के बाद। जो पहले था ये जंगल पूरा काट के आना पड़ रहा था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। बट अभी जो है बहुत ज़्यादा अभी सुविधा हो गए हम लोगों भी। और ये जो है पानी पी रही है, यहाँ पे पानी आ रहा है, वहाँ पे जो ज़मीन से उबल के आ रहा है ना पानी साफ है, तो इसीलिए यहाँ पी रही है। देखिए फ्रेंड्स पहले यहीं पे कटिंग हो रहा था, अभी पूरा रास्ता ओपन होके यहाँ तक आ चुका है। और यहाँ आगे भी पूरा रास्ता ओपन है। और सबसे ज़्यादा जो रिक्स है हमारे गाँव के यहाँ पे रिक्स है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग ने देखा ये जो मैंने रातों पैरों बोला था वो बहुत डेंजर है। और आप लोगों को पता होगा था आज से एक दो दिन आगे एक जो आदमी है उनका भी डेट हो गया, रेस्ट इन पीस, और उनका भी डेट हो गया है। तो इसीलिए बहुत रिक्स है हमारे गांव में, सबसे ज़्यादा रिक्स है हमारे गांव का जो रास्ता है वो रिक्स की है। बट अभी जो यहाँ का रास्ता है ये ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पूरा ग्रास वगैरह है। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स बहुत खुशी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं रास्ता के ओपन होने के बाद। और थोड़ा जो रास्ता है बहुत डेंजर है, वन मिस्टेक गेम ओवर वाला रास्ता हो रखा है। देखिए अभी यहीं पे रास्ता है और यहाँ पे ऐसा खाई है। और देखिए अब आप लोगों को पूरा सीधा आगे जाके दिखाते एक बार। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा डेंजर है रास्ता, कटिंग तो हो गया, गाड़ी भी कूद रहा है। देखिए यहाँ नीचे बापड़े ऐसा खाई है, ड्रंक एंड ड्राइव तो यहाँ पे पूरा आई ज्यादा ही प्रोहिबिट करना पड़ेगा। दारू पी के गाड़ी चलाया था अभी। यहाँ पे देखिए पासिंग प्लेस भी ऐसा डेंजर है, ऐसा डेंजर पासिंग प्लेस है। देखिए कुछ नहीं है नीचे, देखिए रास्ता पूरा ओपन हो चुका है गाइस। ये बहुत खुशी हो रहा है मेरे को, मैं झूमू की नाचू की क्या करू, मैं पता ही नहीं है मेरे को। तो फ्रेंड्स देखिए नीचे से पूरा काला काला होके आ रहा है, और ये हमारा दोस्त है जो भैंसे की तरह आराम आराम से चल रहे, खींच खींच के ले जाना पड़ रहा है इसको। और आगे देखिए ऐसा बारिश नीचे से पूरा काला होके आ रहा है, ये नहीं पता रहे अगर बारिश ज्यादा होगा तो फिर स्लाइड आएगा। देखिए रास्ता पूरा ओपन है, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हमारा पूजा करके लुंगता लगाया हुआ है गाइस। और ये जो है ये भैंस की तरह आराम आराम से चल रहा है, इसको खींच खींच के लेना पड़ रहा है, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। अगर स्लाइडिंग आया तो इसको छोड़ के भागना पड़ेगा, हमको मार के ले जाएगा ये। इसका कोई भरोसा नहीं है, देखिए ऐसे स्लाइड का बहुत भरोसा नहीं है। आप लोग भी देखिए ऐसा में जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, पैर लंबा लंबा नहीं खींच रहा है ये, इतना छोटा छोटा पैर खींच के चल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए जो ये लाचेन जाने वाला हमारा गांव जो मुंसीथांग का रास्ता है वो पूरा अभी ऐसा हो चुका है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा कटिंग हो रहा है, इसीलिए गाड़ी सब बाइक सब इधर खड़ा है। और यहाँ पे देखिए पूरा काम हो रहा है। थोड़ा डाउन कर रहा है रास्ता जो है, बहुत हाइट हो गया था इसीलिए। बट और यहाँ पे जो है ये जो फॉल से इसके लिए जो ये बड़ा वाला पाइप है ये लगा रहा है अभी, क्योंकि अब ये पाइप नहीं लगने के बाद फिर रास्ता पूरा बह रहा है ना इसीलिए।
तो अभी हम लोग जाते हैं आगे, घुसते हैं जाने के लिए, देगा कि नहीं देगा। और हम लोग वहाँ से इधर आ चुके हैं, देखिए फॉल्स अच्छा लग रहा है। और जो है रास्ता में पूरा रोलर भी मार रहा है और अच्छा है। अभी हम लोग जो जो रातों पैरो बोलने वाला जगह पहुँचने वाला है, जहाँ पे अभी फिलहाल ही इंसिडेंट हुआ था, जो एक आदमी थोड़ा एक आदमी का डेथ हुआ था, वहीं पे पहुँचने वाला है। वहीं पे थोड़ा ज्यादा रिक्स है, उसके बाद तो फिर अच्छा ही रास्ता। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो रातों पैरो बोलने वाला वहाँ पे पहुँचने वाला है, और वहाँ पे बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा बना हुआ है अभी फिलहाल। बट बारिश होने के बाद क्या हो रहा है कि बार बार स्लाइड आ रहा है। और देखिए पहले वाला जो रास्ता है यहाँ पे आधा तक बैठा हुआ है ये पे। और देखिए ये जो है ये ट्री, इसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक कलर का ऐसा क्या बोलूं, ब्लूबेरी जैसा एक होता है, बहुत टेस्टी होता है। अभी ये फूल खिला हुआ है, उसके बाद ये येलो जो है वो ब्लैक में पक जाएगा, उसके बाद बहुत अच्छा होता है टेस्टी। और देखिए फ्रेंड्स ये घर का जो है बहुत बीजोक हो गया, उधर भी स्लाइड है, इधर भी स्लाइड है, यहाँ पे भी रास्ता नहीं है, बीच में घर हो गया। और अभी हम लोग रातों पैरों वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, उसके बाद थोड़ा वहाँ पे दिखा के उसके बाद सीधा रास्ता दिखा दे। और फाइनली गाइस रास्ता पूरा ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेटलिंग भी कितना हो चुका है आधा तक। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग जो रातों पैरों में एंट्री कर रहे हैं, देखिए रातों पैरों पूरा रातों ही है, यहीं पे जो पहले घटना हुआ था यहीं पे हुआ था, पहले यहाँ पे पूरा स्लाइड आया था, बट अभी जो है पूरा साफ हो गया है। फ्रेंड्स देखिए पूरा रास्ता खुल चुका है, नॉर्थ सिक्किम का रोड लेटेस्ट रोड अपडेट यही है, हम लोग का रास्ता खुल गया है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। तो अभी थोड़ा पॉज करते हैं फ्रेंड्स, उस तरफ पहुंच के दिखाते हैं, क्योंकि जो ये छोटा छोटा रॉक है रिस्की है, और थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, उसके बाद उस तरफ पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं, बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, देखिए पत्थर का कैसे बैठा हुआ है पत्थर। तो फ्रेंड्स देखिए जो रातों पैरों है, पहले आप लोगों को मैंने दिखाया था उस टाइम पूरा स्लाइड आया था, और अभी जो फिलहाल में इंसिडेंट भी यहीं पे हुआ था। तो अभी जो ये रास्ता पूरा खुल चुका है और यहाँ पे भी अभी थोड़ा बहुत साफ कर रहा है और बहुत अच्छा हो गया है रास्ता। और फिलहाल जो है लाचेन तक, जो पहले चुंगटांग से लेकर लाचेन तक आप लोगों को मैंने इतना दिनों से मैंने आप लोगों को अपडेट दे रहा था, वो रास्ता जो है पूरा ओपन हो गया है, गाड़ी भी चल रहा है, बट फिलहाल जो है गाड़ी नहीं चलने के लिए दे रहा है, जो इमरजेंसी गाड़ी है वैसे कोई जाने दे रहा है। और पूरा ओपन हो चुका है फ्रेंड्स, और बहुत खुश भी लग रहा है खुलने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि राशन पानी का बहुत प्रॉब्लम था, चलने में प्रॉब्लम था, अगर कोई बीमार हो गए तो भी बहुत प्रॉब्लम था, बट जो है अभी रास्ता पूरा खुल चुका है। और देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो गया रास्ता, अभी घर तक हम लोग कितना भी टाइम नहीं लगा, हम लोग लगभग एक घंटा डेढ़ घंटा में पहुंच गए, पहले हम लोग को जंगल के रास्ते से पूरा तीन चार घंटा लग जाता था, और बहुत अच्छा हो गया। फ्रेंड्स देखिए ना जो रास्ता है वो तो खुल चुका है, बट जो है स्लाइड, जो बारिश होने के बाद फिर, क्योंकि नया कटिंग है इसीलिए बार बार स्लाइड आ रहा है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, और स्लाइड आता रहता है इसीलिए, अगर स्लाइड नहीं आने से तो ये रास्ता पूरा ओपन ही है। अभी जो हम लोग का रेनी सीजन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है अच्छी तरह से, अगर रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो फिर ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि ये देखिए इतना रिस्की है वहाँ पे, जो पत्थर वाला बहुत रिस्की है, और रेनी सीजन होने के होने टाइम में फिर कितना स्लाइड होगा वो पता नहीं है। देखिए गाड़ी भी चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी बहुत थक गए, अभी हम लोग अपना गांव के वहाँ पे एंट्री करने वाला है, और आप लोग ने देखा ये रास्ता कितना हो गया, पूरा खुला हो गया है, बट जो है अभी अच्छी तरह से जो पूरा गाड़ी चलने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी जो है रिस्ट्रिक ही है, अभी पूरा ओपन नहीं किया है, तो जब ओपन होगा पूरा गाड़ी आने देगा तब फिर बहुत अच्छा होगा, तो फिर और अच्छा होगा उसके बाद। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखते हैं, बट
जो ये सब्सक्राइब ही नहीं करते प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितना हो सके, और आप लोगों को अच्छी तरह से एक बार रास्ता दिखाते उसके बाद फिर क्लोज करते हैं। तो देखिए ये मिंचथांग जो लाचेन जाने वाला रास्ता, पहले से जो हम लोग आ रहे थे चुंगथांग से, तो देखिए हम लोग का गांव का पूरा रास्ता ओपन हो गया। अभी बहुत मज़ा आ रहा है चलने में, थोड़ा जल्दी पहुंच गए हम लोग। और देखिए आगे भी यहाँ पे तो पूरा मेटलिंग भी हो चुका है, अभी सिर्फ कारपेटिंग का, अभी फिर एक लेयर में भी मेटल का बिछाएगा क्योंकि इससे में तो कारपेटिंग नहीं होगा, और उसके बाद फिर कारपेटिंग होगा। देखिए हमारा सुंदर प्यारा सा गांव हम लोग फिलहाल पहुंच चुका है, और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा के उसके बाद वीडियो क्लोज कर दे। देखिए तो दोस्तों, देखिए हमारा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर हरा भरा गांव में पहुंच गए, अभी बहुत मज़ा आ रहा है। इतना अच्छा गांव था हमारा, अभी कैसे क्या हो गया, पर थैंक गॉड की अभी फिर भी अच्छा ही है। देखिए प्यारा हरा भरा गांव, अभी पूरा चेरी ब्लॉसम हो गए। अभी थोड़े दिन पहले चेरी ब्लॉसम था, अभी जो है पत्ता निकल गया चेरी ब्लॉसम का। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को जो रोड अपडेट वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल पे, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग देखते बहुत है बट सब्सक्राइब ही नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो है अब टूरिस्ट को कब आने देगा, क्या है क्या नहीं, वो हम फिर अपडेट देंगे, क्योंकि अभी तो जो हम लोग का प्राइवेट जितना लोकल भी गाड़ी उस लोग को भी नहीं आने के लिए दे रहा है, नहीं जाने के लिए दे रहा है, इमरजेंसी व्हीकल्स को ही सिर्फ जाने दे रहा है। तो अच्छी तरह से जब जाने देगा, जब टूरिस्ट के लिए अगर थोड़ा भी मुझे अपडेट मिला तो आप लोगों को जरूर अपडेट देंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।